अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अपने घर में आराम करने के साथ साथ, अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने के साथ साथ, आप अपनी तालीम पर भी खुसूसी तवज्जो दे रहे होंगे। आज हम लेवल 5 के लिए यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 2, जिसकी कि आप ऑलरेडी रीडिंग भी कर चुके हैं, इसके वोकैबुलरी वर्ड्स भी अच्छी तरह याद कर चुके हैं, आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी हासिल करने के लिए क्या जद्दोजहद, क्या कोशिशें हमारे बुजुर्गों ने की, इस चैप्टर में आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा। आज क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द ब्रिटिश ओरिजिनली कम टू इंडिया, बरतानवी हुक्मरान जो थे असल में इंडिया क्यों आए थे। द ब्रिटिश केम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, बरतानवी हुक्मरान जो थे वो इंडिया तिजारत के गर्ज से आए थे कि वहां जाकर बिजनेस करें, कारोबार करें, तिजारत करें। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट एनी 5 प्रॉब्लम्स That led to the war of independence. 5 ऐसे कौन से मसाइल थे। आपको पता है कि जब बरतानवी हुक्मरान आए थे, हिंदू मुसलमान सब इकट्ठे रहते थे, तो कौन से ऐसे 5 बुनियादी मसले थे, मसाइल थे, प्रॉब्लम्स थी, जिनकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की जंग लड़नी पड़ी उन लोगों को। नंबर 1, मुस्लिम्स डिड नॉट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मुसलमान इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते थे और ना ही उसको पढ़ना चाहते थे, क्योंकि बरतानवी हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज अपनी ही जुबान पढ़ाना चाहते थे। नंबर 2, मुस्लिम्स एंड हिंदूज डिड नॉट वांट टू यूज गन्स गिवन बाय द ब्रिटिश, और मुसलमान और हिंदू दोनों कौमें जो है वो बरतानवी हुक्मरान ने जो उन्हें बंदूकें दी थी वो दोनों इस्तेमाल करना नहीं चाहते थे। वजह क्या थी, जो मुस्लिम गन इसलिए नहीं इस्तेमाल करना चाहते थे क्योंकि उसमें जिस जानवर को हम हराम समझते हैं, फिग, जिसका नाम लेने से हम कहते हैं हमारी जुबान गंदी हो गई, तो उसकी चर्बी को उन गन्स में इस्तेमाल किया जाता था इस डर से। और जो हिंदू थे वो इसलिए कि गाय की चर्बी, गाय को वो अपना खुदा मानते हैं, इबादत का दर्जा देते हैं, और हिंदू इसलिए गन्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, बंदूकें इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसमें गाय की चर्बी इस्तेमाल होने का खदशा था। नंबर 3, नेटिव्स कुड नॉट पे हाई लैंड टैक्सेस, नेटिव्स मुकामी लोग जो वहाँ के रहने वाले थे, वो लोग जो ज़मीनी टैक्स, ज़मीन का भी टैक्स लगा दिया जाता है किसानों पर कि आप लोग हमें टैक्स पे करें, तो वहाँ के जो लोग थे वो इस कदर अपने इतने अमीर नहीं थे कि वो बहुत ज़्यादा उसके अपनी ज़मीन के जो टैक्स हैं वो अदा कर सकें। नंबर 4, ऑल गुड जॉब्स वर गिवन टू द हिंदूज एंड सिक्स नॉट टू द मुस्लिम्स, जितनी भी अच्छी जॉब्स थी, कारोबार थे, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं और सिखों को वो तमाम जॉब्स दी गई थी, मुसलमानों को अच्छी जॉब्स, पढ़ी लिखी जो जॉब्स थी वो मुसलमानों को नहीं दी गई थी, इसलिए मुसलमानों को पीछे रखा जा रहा था। नंबर 5, इन ड्राई वेदर फार्मर्स वर नॉट टैक्स फ्री, आपको पता है जब ड्राई वेदर होता है, खुश्क वेदर होता है, तो उसमें किसान जो है वो फसलें नहीं उगा सकते, जब किसान फसलें ही नहीं उगाएंगे, उनकी फसलें अच्छी तरह काश्त नहीं होंगी, तो वो किस तरह अपना टैक्स पे करेंगे। तो फिर भी ड्राई वेदर में भी जब वो कोई फसल नहीं उगाते थे उनको फिर भी टैक्स फ्री नहीं रखा जाता था जी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड द इंडियन मुस्लिम्स फेस आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आज़ादी के बाद, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडियन मुस्लिम थे, इंडिया के जो रहने वाले मुसलमान थे, उनको किन मसायल का सामना करना पड़ा। आंसर, आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आज़ादी के बाद, इंडियन मुस्लिम्स वर पनिश्ड सीवियरली, मुसलमानों को, जो इंडिया के मुसलमान थे उनको सख्त किस्म की सजाएं दी गई, दे हैड बिकम जॉबलेस, उनको बेरोजगार कर दिया गया, अगर वो किसी जॉब पर तैनात थे उनसे उनका रोजगार छीन लिया गया, दे वर सेंट टू जेल, उन्हें जेल भेज दिया गया, द ब्रिटिश टुक देयर प्रॉपर्टीज आल्सो, और मुसलमानों से उनकी जायदादें भी छीन ली गई, यानी कि उन पर बहुत जुल्म किया। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों ने जो इसकी रीडिंग की, इसके वोकैबुलरी वर्ड्स याद किए, इसके क्वेश्चन आंसर्स को सुना, इनको समझा, अब आप लोगों ने इसकी बार बार अच्छी तरह रीडिंग करनी है, लर्निंग करनी है, ताकि आप अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।